फ्रेंड्स, पीएस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम लोग सीख रहे थे इंग्लिश पढ़ना, बेसिक से इंग्लिश हम लोग पढ़ना सीख रहे हैं। एक एक शब्द को हम लिख लिख कर आपको बताते हैं कि इसको पढ़ते क्या हैं और इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है। तो सारी चीज़ें हम बताते हुए और साथ ही साथ ग्रामर के पोर्शन अगर कहीं पर आते हैं तो उसको भी हम बताते हैं साथ में, और सारे एक एक शब्द की हिंदी और उसका मीनिंग बताते हुए ट्रांसलेशन करते हैं। तो अगर आप बेसिक से इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं, अगर आपको इंग्लिश एकदम नहीं आती है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और इंग्लिश को पढ़ना सीखिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और रीडिंग करना सीखते हैं। हम लोग ने एक स्टोरी को स्टार्ट किया था, प्लेइंग इज फन, जिसमें एक छोटा सा बच्चा तुषार, वो अपने दादा से बातें कर रहा था। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि वो दोनों क्या बातें किए। उसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ से हम लोग को देखना। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, इसका फर्स्ट पार्ट, उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हुए, देर ना करते हुए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। देयर आर टू काइंड्स ऑफ गेम, इसको हम पढ़ेंगे देयर। There are two kinds of game. There are two kinds of game. There means यहाँ, are means हैं, two means दो, kinds means प्रकार के, of means काकी के, game means game या खेल। यहाँ पर दो प्रकार के खेल होते हैं, कौन कौन से? पहला है outdoor, इसको हम पढ़ेंगे आउटडोर, आउटडोर गेम्स एंड और, इसको पढ़ेंगे एंड मतलब होता है और, इनडोर, आउटडोर गेम्स और इनडोर गेम्स, सॉरी गेम्स। कौन कौन से? आउटडोर मतलब कि, डोर मतलब होता है दरवाज़ा, आउट मतलब बाहर, मतलब कि बाहर के गेम जो घर के बाहर खेले जाते हैं, और इंडोर मतलब घर के अंदर खेलने वाला गेम। तो दो प्रकार के गेम होते हैं, एक बाहर खेला जाता है और एक जो अंदर खेला जाता है, दो प्रकार के गेम होते हैं। गेम्स विच आर प्लेड आउटसाइड द हाउस, गेम्स विच मतलब जो कि, वह गेम जो कि आर प्लेड खेला जाता है आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ, द हाउस मतलब घर के, जो गेम घर के बाहर खेला जाता है, एंड और नीड लार्ज स्पेस आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। एंड मतलब और, नीड मतलब होता है आवश्यकता, आवश्यक, नीड जिसको आवश्यकता होती है, लार्ज मतलब बड़े, लार्ज स्पेस मतलब होता है स्थान का, स्पेस जिसके लिए बहुत बड़े स्थान की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा जगह की आवश्यकता होती है, आर कॉल्ड मतलब उसको बुलाया जाता है, उसको कहा जाता है आउटडोर गेम, उसको बाहर का गेम या बाहरी गेम कहा जाता है, बाहर के खेल कहा जाता है। हॉकी क्रिकेट फुटबॉल बास्केटबॉल वॉलीबॉल लॉन टेनिस, क्या है लॉन टेनिस, बैडमिंटन एंड स्केटिंग आर, एंड स्केटिंग आर सम आउटडोर गेम, ये सारे क्या हैं? बाहर खेले जाने वाले गेम हैं। जितना हमने बताया, हॉकी क्रिकेट फुटबॉल वॉलीबॉल बास्केटबॉल लॉन टेनिस बैडमिंटन स्केटिंग और
ये सारे गेम क्या हैं जो घर के बाहर खेले जाते हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा जगह की आवश्यकता होती है। तो इंग्लिश रीडिंग करने के साथ साथ हम लोग ये सारी चीज़ें भी सीख ले रहे हैं कि कौन से गेम आउटडोर होते हैं, कौन से गेम इंडोर होते हैं। अगर कहीं पर हमसे पूछ लिया जाता है कि इंडोर गेम कौन से होते हैं, इंडोर मतलब घर के अंदर खेले जाने वाले, और आउटडोर, आउटडोर मतलब घर के जो बाहर खेले जाते हैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा जगह की आवश्यकता होती है। उसके बाद देखिए व्हेन, व्हेन मतलब होता है जब, व्हेन इट इज टू, टू मतलब होता है भी, यहाँ पर टी डबल ओ रहेगा उसको हम भी कहेंगे। हॉट आर रेनिंग, व्हेन इट इज टू हॉट आर रेनिंग, रेनिंग मतलब होता है वर्षा होना, जब बहुत ज़्यादा गर्मी और वर्षा होती है। व्हेन इट इज टू हॉट आर रेनिंग एंड द चिल्ड्रेन कैन नॉट गो आउटसाइड टू प्ले, एंड और द चिल्ड्रेन बच्चे कैन, कैन मतलब होता है सकते हैं, नॉट मतलब नहीं, गो मतलब जाना, आउटसाइड मतलब बाहर, टू प्ले मतलब खेलने के लिए। जब बहुत गर्मी और बरसात होती है तो बच्चे बाहर खेलने नहीं जा पाते हैं। दे प्ले, वे खेलते हैं डिफरेंट, डिफरेंट मतलब होता है अलग, डिफरेंट गेम, अलग खेल खेलते हैं। इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर, अंदर अलग तरह के खेल खेलते हैं। द हाउस मतलब घर के, घर के अंदर तब जो अलग खेल खेलते हैं। दोज गेम्स, वो, दोज मतलब होता है वो या वे, वे खेल, गेम मतलब खेल, विच जो डू नॉट नीड, विच मतलब जिसको डू नॉट नीड आवश्यकता नहीं होती है, विच डोर डू नॉट नीड जिसको आवश्यकता नहीं होती है। मच मतलब बहुत, मच मतलब बहुत, स्पेस मतलब होता है स्थान का, एंड कैन, मच स्पेस एंड कैन बी प्लेड, कैन बी प्लेड इनसाइड द, इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर, प्लेड मतलब खेले जाते हैं, ये सारी कई बार हम लोग लिख चुके हैं। इनसाइड द हाउस आर कॉल्ड इनडोर गेम, जो घर के अंदर खेले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कॉल्ड मतलब बुलाए जाते हैं, कहे जाते हैं, इनडोर मतलब घर के अंदर वाले, गेम मतलब गेम, जो घर के अंदर खेले जाते हैं और जिसको कम जगह की आवश्यकता होती है उसे हम इनडोर गेम कहते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं, लूडो, लूडो, स्नेक एंड लीडर, स्नेक लीडर, और कौन कौन से होते हैं, स्नेक लीडर हो गया, कैरम, चेस, प्लेइंग कार्ड, प्लेइंग कार्ड एंड कंप्यूटर गेम, और कंप्यूटर गेम, ये सारे गेम कौन कौन से होते हैं, लीडर, स्नेक लीडर, कैरम, चेस और प्लेइंग कार्ड और कंप्यूटर गेम, ये सारे क्या होते हैं, आर सम इंडोर गेम, ये सारे घर के अंदर खेले जाने वाले गेम होते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ फिगर भी दिखाया गया है, ये लूडो का दिखाया है और ये टेबल टेनिस का है, और यहाँ पर देखिए कैरम का है फिगर। तो ये सारे इंडोर गेम होते हैं। उसके बाद देखिए डू यू नो, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, नो मतलब होता है जानना, इसको हमने पहले भी बताया। नाउ ए डेज स्पोर्ट्स एंड गेम्स, नाउ ए डेज स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स मतलब होता है खेल एंड गेम्स मतलब होता है गेम, हैव बिकम प्रोफेशंस, हैव बिकम प्रोफेशंस, क्या आप जानते हैं कि इस समय खेल भी क्या है, एक व्यवसाय हो गया है, खेल भी एक व्यवसाय, बिजनेस की तरह हो गया है। प्लेयर्स एंड स्पोर्टमैन, प्लेयर्स मतलब खिलाड़ी, प्लेयर्स, स्पोर्टमैन मतलब होता है खिलाड़ी, खेलाने वाला आदमी, प्लेयर्स खिलाड़ी और खेलने वाले, खिलाने वाले, अर्न, अर्न मतलब होता है कमाते हैं, अर्न ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा धन, मनी मतलब होता है धन,
बाई मेकिंग, बाई मतलब के द्वारा, मेकिंग मतलब बना करके, स्पोर्ट्स खेल के, एंड गेम्स और गेम के, डियर प्रोफेशंस इसको गेम और खेल को ये सारे अपना व्यवसाय बनाकर रखे हुए हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे धन कमाए जाते हैं आज के दिनों में। पहले क्या था गेम? पहले मनोरंजन का साधन हुआ करता था, अब क्या है, एक व्यवसाय भी बन गया है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि गेम के बारे में कौन कौन से गेम होते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम लोग को पता चली। साथ ही साथ हम लोगों ने रीडिंग करना भी सीखा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और आप लोग रीडिंग करना भी सीखे होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।